देश में कोरोना के मामलों में कमी आई, लेकिन मौत की रफ्तार फिर से बढ़ गई। दूसरी लहर में भले ही रोजाना आने वाले नए मामले बीते कुछ दिनों से 3 लाख से कम हैं, लेकिन मौतों का बढ़ता आंकड़ा अभी भी चिंता का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को देश में कोरोना के 2,59,591 नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि कोरोना से होने वाली मौतें एक बार फिर 4,000 के पार हो गई। देश भर में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस की वजह से 4,209 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसी के साथ अब भारत में कोरोना से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,60,31,991 पहुंच गई है। वहीं इस वायरस ने अब तक 2,91,331 लोगों की जान ले ली। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के 30,27,925 एक्टिव केस हैं। राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे के अंदर 3,57,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। यह आंकड़ा नए मामलों से कहीं ज्यादा है। देश में अब तक कुल 2,27,12,735 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में जिन राज्यों में पहले केस ज्यादा थे वहीं अब घट रहे हैं। जिन इलाकों में पहले केस कंट्रोल में था वहाँ मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां कोरोना के नए मामले 30,000 से कम हो गए हैं, वहीं अब तमिलनाडु सबसे बुरी तरह प्रभावित हो गया है। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 35,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। वहीं इसके बाद केरल का नंबर है जहां 30,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान 29,911 लोग संक्रमित पाए गए। इस दौरान 47,371 लोग ठीक भी हुए हैं और 984 लोगों की मौत हुई। उधर उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 6,681 लोग संक्रमित पाए गए। इस दौरान 13,590 लोग ठीक हुए और 236 लोगों की मौत हुई। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,231 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं 7,831 लोग ठीक हुए हैं और 233 की मौत हो गई। देश में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए युद्ध स्तर पर लोगों की जांच की जा रही है। ICMR के मुताबिक कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए देश में गुरुवार को 20,61,683 नमूनों की जांच की गई है। इनको मिलाकर अब तक कुल 32,44,17,870 नमूनों का टेस्ट किया जा चुका है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 14,82,754 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 19,18,79,503 हो गया। वहीं कोरोना एक्टिव केस के मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट।